और इस बार मैं आग्रह करूंगा इस बार से कम 5 गुना ज्यादा लोग जुटाने हैं। और इस बार आंदोलन सिर्फ इस जिले का नहीं होगा, इस बार आंदोलन प्रदेश स्तरीय देश स्तरीय होगा। पूरे देश के लोगों को आह्वान करेंगे उत्तराखंड चलने का, और इस बार का आंदोलन किसी टीम से नहीं रुकेगा। ऐसी 1000 टीम लगेगी तो वो सारी उखाड़ के जो है कबाड़ियों के हाथ दे देंगे जो भाई कबाड़ का काम करते हैं। मैं ज्यादा मांग पत्र में बहुत लंबा भरोसा नहीं रखता हूं। मैं तो आपसे कहता हूं आने वाले कल में अपनी ताकत बना लो। अपनी ताकत बन जाएगी तो कोई मांग पत्र नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ ऑर्डर करने पड़ेंगे। क्योंकि आज भी काशीराम की बात याद आती है कि मांगने वाला कभी ताकतवर नहीं होता, देने वाला ताकतवर होता। तो मैं तो मांगने में मांगने की पॉलिसी में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रखता। मैं तो इन पीड़ित परिवारों से और परिवारों से भी ये वचन देके कहता हूं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग, हमारे जिलाध्यक्ष जी मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथी मेहनत कर रहे हैं, प्रदेश की कमेटी के लोग मेहनत कर रहे हैं। हम इतनी ताकत बनाएंगे कि जिन चीजों के लिए आज आप मांग पत्र दे रहे हो हम एक कलम से साइन करके वो सारी चीजें आपको देने का काम करेंगे जिसका आपका अधिकार बनता। और मैं अपने साथियों से भी कहूंगा, आज आपने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मुझे लगता है हमने 7 दिन का समय लगभग इसमें लगेगा पूरे कार्य में। 7 दिन के बाद अगर बात आपके मनचाही नहीं हुई तो उसके बाद अगर कोई और कठोर फैसला लेना पड़ा तो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। रहोगे नहीं रहोगे? जादू की छड़ी तो उनके हाथ में भी नहीं है, लेकिन 7 दिन में बहुत पर्याप्त समय है कि वो अपने काम को आगे बढ़ा लें। 7 दिन से ज्यादा का समय लगता है तो फिर हमें सोनपुर में तो उन्होंने कमेटी, लेकिन सांतरसा वाले में तो उन्होंने 5 दिन का समय ही अपनी तरफ से तय किया। तो 7 दिन के बाद फिर से हम पे अधिकार है कि हम फैसला लेके आगे बढ़ सकते हैं। और इस बार मैं आग्रह करूंगा इस बार से कम 5 गुना ज्यादा लोग जुटाने हैं। और इस बार आंदोलन सिर्फ इस जिले का नहीं होगा, इस बार आंदोलन प्रदेश स्तरीय देश स्तरीय होगा। पूरे देश के लोगों को आह्वान करेंगे उत्तराखंड चलने का, और इस बार का आंदोलन किसी टीम से नहीं रुकेगा। ऐसी 1000 टीम लगेगी तो वो सारी उखाड़ के जो है कबाड़ियों के हाथ दे देंगे जो भाई कबाड़ का काम करते हैं। तो खाने का खर्चा भी इन पैसे लेंगे, उन्हीं से जो है खाने की व्यवस्था होगी, उन्हीं से जनरेटर की व्यवस्था होगी, उन्हीं से टेंट की व्यवस्था होगी, हाँ पंखों की भी। लेकिन जो नहीं सहेंगे और जो होने चाहिए इस बात के लिए हम लोग संकल्प लेकर तैयार। और कुछ साथी जो भूख हड़ताल में बैठने की इच्छा कर रहे थे, ये एक बार मैंने 7 दिन तक जब 2 अप्रैल की घटना हुई मैंने ये सहारनपुर जेल में करके देखा था। आजकल अगर भूख हड़ताल से सरकारें मानती तो शायद जो है हर गरीब को न्याय मिल जाता। आप खुद बीमार तो हो सकते हैं, खुद को तकलीफ में तो दे सकते हैं, जैसे उमेश जी ने कहा कि मैं बैठूंगा मेरी लाश ही उठेगी, तो हम एक अपना आदमी खो सकते हैं। समझते हो? समझते हो? तो मैं इनसे भी कहूंगा ये भूख भूख हड़तालें ठीक नहीं है, खा पी के लड़ो, चार टाइम भाई हिम्मत भी रही ये नहीं, खा पी के लड़ो, लड़ाई है एक दिन में थोड़ी खत्म होती। ये तो महात्मा गांधी जी के आदर्श बहुत लोगों ने अपनाया और बाद में इनको अस्वीकार किया कि भाई ठीक नहीं, सरकारें तो चाहती है कि ये लोग रहे, और आप वैसे ही मरना चाहते हैं, इसका आरोप भी किसमें लग रहा है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं प्रशासन के लोगों से भी कहूंगा, पुलिस के, किसी भी गवाह को धमकाने की कोशिश ना करें। पुलिस का व्यवहार मैत्री व्यवहार होना चाहिए, ऐसा मेरा उनसे आग्रह है। बहुत जल्द 7 दिन के बाद मुलाकात होगी। धन्यवाद।